कौन आप निकल रहे हो? ओके तो ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग मतलब द सोर्स हैज टू बी कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, ठीक है? चार्जिंग के अंदर क्या है, अच्छे से देखना, सब कुछ रेडी होना चाहिए और आवाज़ नहीं, एकदम चुप, ठीक है? सो कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. डॉट लाइन, डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि उसके इंटरनली कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो हमको कनेक्ट करना है. यहाँ वो लोग लिख के ही दिया है कि क्या कनेक्ट करना है, करंट मीटर. तो करंट मीटर विल ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज. तो सीरीज का मतलब एक एंड जो है, सपोज दिस इज माई करंट मीटर, तो करंट मीटर इन मिली एम्पियर्स, यहाँ पे लिखा माइक्रो एम्पियर्स लेकिन चलेगा मिली एम्पियर्स में, ठीक है? सो मिली एम्पियर्स यहाँ पे क्या एक एंड, और दूसरा मिलीमीटर हमारा जो एमीटर होता है उसका हमेशा दूसरा एंड क्या होता है, ग्राम, दैट इज ब्लैक, दैट जहाँ पे कॉम लिखा है वो, ठीक है? सो दिस इज योर मल्टीमीटर विच इज कनेक्टेड एज अ एम मीटर, और मैंने ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? हमारा एम क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग आई वॉन्ट टू मेजर कि करंट थ्रू अ कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? इस ग्राफ में हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक नहीं प्लॉट कर रहे हैं, क्या प्लॉट कर रहे हैं, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इज दैट क्लियर? याद रखना, डॉटेड लाइन्स विद एरो का मतलब होता है इट इज़ अ इंटरनल स्विच. डॉटेड लाइन्स विद एरोज मतलब इंटरनल स्विच होता है. यहाँ करूँगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा और इधर करूँगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा. इसमें वायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. डज इट मेक सेंस? समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये डार्क लाइन है, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड. उसके बाद डॉटेड लाइन है, दैट मीन्स वी हैव टू कनेक्ट इट, ठीक है? तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है? फिर कैपेसिटर मतलब, नाउ इन योर सर्किट क्या है, एक सोर्स है करंट मीटर के साथ, सीरीज में है करंट मीटर हमारा, ठीक है? सीरीज का मतलब समझ आ रहा है ना सबको, बिकॉज इंटरनल कुछ कनेक्टेड नहीं है. एक एंड करंट मीटर का एक एंड रजिस्टर के साथ है और करंट मीटर का दूसरा एंड किसके साथ है, स्विच के साथ, दैट इज कनेक्टेड विथ योर कैपेसिटर, ठीक है? अब एक और चीज़ रहेगी, क्या मेजर करना है हमको, वोल्टेज. सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मेजर करना है, तो वोल्टेज मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड आई कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर. बस कैपेसिटर का एक एंड लिया मैंने और इसको यहाँ पे देखो वी लिखा है, सो वहाँ पे जाएगा, ठीक है? और दूसरा एंड कहाँ आएगा, हमेशा ग्राउंड में, डेट इज कॉम. डन. तो ये पूरा सेटअप किसका हो गया, आपका चार्जिंग का. अब जैसे मैं डिस्चार्जिंग करूँगा, ये जो कैपेसिटर चार्ज है वो यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा और इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक करंट मीटर चाहिए होगा हमको, सो वहाँ पे भी करंट मीटर लगा दें हम लोग, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू टेक रीडिंग्स, रीडिंग्स आप आराम से ले लेना एग्जाम में. सो यहाँ पे एक और बार हम लोग क्या लेंगे, करंट मीटर, स्विच इट ऑन. दूसरा है करंट मीटर, देखो कहाँ पे, डेफिनेटली चलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम, सपोज मैं मुझे एट द सेम टाइम करना है तो अभी सिर्फ चार्जिंग मोड के लिए, ठीक है? फिर ये अगर आपको सिर्फ चार्जिंग के लिए करना है तो इतना सही है, अगर आपको सिर्फ चार्जिंग बोला है, और अगर बोला कि सिर्फ डिस्चार्जिंग करो, लेकिन चार्जिंग डिस्चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले चार्ज तो होना चाहिए आपका कैपेसिटर, तभी वो डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है? तो इसको निकाल के आप इधर तब कनेक्ट करोगे जब आपको डिस्चार्जिंग होने जाना है, बट हम लोग को ऐसा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास दो मल्टीमीटर है अभी, ठीक है? तो एक और मल्टीमीटर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ. सेम वे मिली एम्पियर्स एंड डन. बताओ किसी को कोई डाउट? एग्जाम में आपको बोला, बताया गया होगा कि ये तीनों में से कोई भी एक ले लो, या फिर स्पेसिफाई किया होगा कि 47 और 220 और 120 लाइक दैट माइक्रोफेरेड, तो उस हिसाब से आपको आपके कैपेसिटी सिलेक्ट करना है. इतना क्लियर सब लोग? अब चलो यहाँ पे ध्यान दो. अब देखो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द रीडिंग, लेकिन रीडिंग्स कैसे लेनी है याद रखना कि दिस वोल्टेज विल चेंज. यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे करंट और वोल्टेज जो है इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो एक एक बंदा जो है टाइम के टाइम क्लॉक लेके रखेगा, स्टॉपवॉच रखेगा, और दूसरा वाला जो है वो क्या करेगा, वोल्टेज या करंट मेजर करेगा. तो एग्ज़ाम में आपको एक ही चीज़ क्वांटिटी मेजर करनी होगी, दोनों साथ में नहीं देंगे हम लोग क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है. इज दैट क्लियर? या तो मैं लेके खड़ा रहूँगा टाइम. इज दैट क्लियर? सब लोग यहाँ पे चेक कर लें हम लोग ड्यूरिंग चार्जिंग वेदर. चार्जिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीजेस. इज दैट क्लियर? और करंट क्या होता है, डिक्रीजेस. सो दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू सी, ठीक है? दिस इज द चार्जिंग करंट एंड दिस इज वोल्टेज, लेट्स सी. तो आप लोग देखोगे यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है
और यहाँ देखो वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, कहाँ तक जाएगा वोल्टेज मैक्सिमम 15 वोल्ट्स, कहाँ तक जाएगा 15 वोल्ट्स, इतना क्लियर। करंट डिक्रीज हुआ, वोल्टेज इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब ये फुल्ली चार्ज है, अज्यूम कर लो अराउंड 15 वोल्ट हो गया, करंट ऑलमोस्ट जीरो हो गया, सो दिस इज नाउ फुल्ली चार्ज। फुल्ली चार्ज है तो डिस्चार्ज करना है, तो मुझे बस एक ही काम करना है, अब क्या करना है, बस ये स्विच को डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज करने के यहाँ से सोर्स से डिसकनेक्ट हो जाएगा और बाकी आपके रजिस्टर से कनेक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी इन डिस्चार्जिंग मोड, मतलब सर्किट में देयर विल बी ओनली कैपेसिटर एंड रजिस्टर। चालू करें, अब यहाँ पे ये करंट मीटर देखेंगे हम लोग, वहाँ पे करंट भी डिक्रीज होगा और वोल्टेज भी डिक्रीज होगा, लेट्स सी दैट, ठीक है। वहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो करंट इज डिक्रीजिंग, 4 से 3 हुआ, और यहाँ पे देखो करंट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे दिखा वापस से देखो 2 हो गया, 3 से 2 हो गया, ठीक है, क्लियर। ये रीडिंग्स आपको लेनी है एग्जाम्स में। मुझे बताओ किसी को डाउट है, एनी डाउट्स? बहुत सिंपल है, कर सकते हैं सब लोग। हाँ, करंट मीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर हैज़ टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, बस।